हाय माय ब्यूटीज, वेलकम टू दिस चैनल अपर्णा तनवर मेकओवर। और आज मैं करने वाली हूँ एक बहुत ही लाइट मेकअप यानी नो मेकअप लुक। ये ऐसा लुक है जो आप डेली वियर कर सकते हैं, और प्लस अभी जो रक्षाबंधन आ रहा है उस पर भी आप इस लुक को कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर अपना मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ फ्रॉम सेंट बोटानिका और इसकी स्मेल तो बहुत ही अच्छी है। अपनी स्किन को प्रेप एंड प्राइम करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे तरीके से लगाए। आपकी चाहे ऑयली स्किन हो चाहे ड्राई स्किन, दोनों पर ही मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। द सेकेंड थिंग मैं यहाँ ले रही हूँ फ्लावर की ये स्टिक। बेसिकली क्या होता है कि आप जब नो मेकअप लुक कर रहे हो तो आप कोई भी हैवी फाउंडेशन तो बिल्कुल मत लीजिए, बहुत लाइट फाउंडेशन लीजिए। और वो फाउंडेशन लीजिए जो आपके स्किन टोन के सेम एग्जैक्टली मैच होता हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज वो बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा, बहुत नेचुरल लगेगा। सो आई यूज्ड द प्राइमर एंड दिस फ्लावर स्टिक फाउंडेशन जो कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल भी एक्सेस नहीं लग रहा है मेरे फेस पर, बिल्कुल एकदम मैच कर रहा है। और बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं करनी है आपको, नो मेकअप लुक में आपको बहुत ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छे से ब्लेंड कीजिए, टेक योर टाइम, एंड देन आपका जो बेस है वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। अब यहाँ मैं के ब्यूटी का पाउडर ले रही हूँ, बट रिमेंबर मैं सिर्फ टी जोन पर ही ये अप्लाई कर रही हूँ, आपको पूरे फेस पर जो है पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आइज़ के लिए यहाँ मैं ये शेड ले रही हूँ, आप कोई भी लाइट कलर का जो शेड ले सकते हैं, आई शेडो पैलेट जो भी आपके पास हो, विच एवर इज़ अवेलेबल टू यू। नाउ अब मैं लगा रही हूँ ब्लश, ये फ्लावर का ही ब्लश है, लाइक अभी मैंने रिसेंटली ये परचेज़ किए हैं और मुझे बहुत पसंद आए हैं। सो ब्लश भी जो है क्रीमी काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप नो मेकअप लुक कर रहे हो। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो बहुत अच्छा लुक देगा। यहाँ मैं कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ, बिकॉज हमें नो मेकअप लुक करना है सो उसमें आपको कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है बेसिकली। सो आप ब्लश से एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह से आपका जो फेस है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चरल नज़र आएगा। सेम इसी ब्रश को जो है मैं नोज़ पर भी अप्लाई कर रही हूँ, इसी ब्लश को भी अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज आपको थोड़ा सा नेचुरल लुक देता है ये। अब यहाँ मैं ले रही हूँ ये पैलेट मिस क्लेयर की, और इसका ये ब्राउन शेड ले रही हूँ, और मैं आईज़ पर लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमें नो मेकअप लुक क्रिएट करना है तो आईज़ पर भी आप वाइट फाउंडेशन नहीं छोड़ सकते हैं बेसिकली। ब्राउज़ को मैंने बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया है, हल्का सा ब्राउन शेड लगाकर आप जो है स्पूली से इसको जो है ब्रश कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे मेन चीज़ आती है मस्कारा। मस्कारा नो मेकअप लुक में एक सबसे बेस्ट चीज़ है जो आपका लुक निकल के आता है, बिकॉज आप कुछ भी मेनली अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मस्कारा के अच्छे से 2-3 कोट अप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका लुक जो है वो ज़्यादा नेचुरल लगेगा। नो मेकअप लुक में मस्कारा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड आप देख ही सकते हैं एकदम से कैसे लुक आ गया, चेंज हो गया है मस्कारा लगाते ही। सो आई लव मस्कारा, बेसिकली आप ये ज़रूर लगाइए। लिपस्टिक जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट ले रही हूँ मैं, एक पीची शेड है ये, और इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो नेचुरल लगे, आपको कुछ भी एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर मैंने ग्लॉस अप्लाई किया है, आप चाहे तो ये स्किप कर सकते हैं, आप चाहे तो लिप्स मैट रख सकते हैं। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ थोड़ा सा हाइलाइटर, दिस इज़ लिक्विड हाइलाइटर, सो ये भी टोटली ऑप्शनल है, हाइलाइटर और ग्लॉस टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगाएं आप चाहे तो ना लगाएं, और मुझे थोड़ा हाइलाइटर पसंद है इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। तो यहाँ आप देखिए हमारा जो लुक है इसमें हमने कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं किया है, आप जो फ्रिकल्स हैं वो देख पा रहे हैं मेरे फेस पर, और डिस्कलरेशन बेशक आपको नहीं दिखाई देगी बट बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है यहाँ पर। दिस इज़ द कम्प्लीट लुक, आई होप ये लुक जो है आपको पसंद आएगा, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो। बेल आइकन साइड में है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक सभी इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे, और डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।